दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन के बारे में डिटेल्स में जानने के साथ ट्रेडिंग साइकिल क्या होता है एंड हमारा क्या क्या ट्रेडिंग स्टाइल है उसके बारे में डिटेल्स में जानने जा रहे हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर दिन रात 8 बजे हम जब ये वीडियो अपलोड करेंगे आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, लाइक जरूर करना। चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लॉन्ग पोजीशन क्या होता है। हम प्रीवियस वीडियो पे डिस्कशन किए थे कि बुल मार्केट बियर मार्केट क्या होता है। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हो, पहले वो वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसके बाद ये वीडियो को देखना। हम आगे आने वाले वीडियो पे हमारा अलग अलग जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी है उसके बारे में बात करेंगे, तो उसपे हम फ्यूचर ऑप्शन ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो देखिए, जब आप फ्यूचर के अंदर कोई भी पोजीशन लेते हो, जिस स्टॉक के अंदर हम कोई भी पोजीशन बाइंग करते हैं, स्टॉक पे बाय करने को नॉर्मली हम बाय बोलते हैं। और जब फ्यूचर के अंदर हम कोई चीजें बाय करते हैं उसका नाम सिर्फ चेंज हो जाता है, हम बाइंग की जगह उसको लॉन्ग बोलते हैं कि हम लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। अगर शेयर पे कोई भी स्टॉक का शेयर को हम सेल कर रहे हैं उसको नॉर्मली हम सेल बोलते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर हम कोई भी सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं तो उसको शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ रहता है, जब मार्केट के बायस ऊपर की तरफ रहता है, हम जब पोजीशन बाइंग की तरफ बनाने के लिए जा रहे हैं, जनरली वो पोजीशन को हम लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। और जब हमारी बायस नेगेटिव डिरेक्शन पे रहता है, हम जो पोजीशन सेलिंग के हिसाब से बनाते हैं उसको हम शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं। तो चलिए अभी ट्रेडिंग साइकिल के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हम जब सपोर्ट लेवल के आसपास कोई बाइंग का पोजीशन बनाते हैं उसको बाय लॉन्ग बोलते हैं, और जब वो स्टॉक ऊपर की तरफ आता है या जब वो स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस ऊपर की तरफ आता है, हम जब वो लॉन्ग को सेल कर देते हैं उसको सेल लॉन्ग बोलते हैं। मतलब लोअर लेवल के आसपास हम लॉन्ग पोजीशन बनाए और ऊपर लेवल के आसपास उसको सेल कर लिए, और ऊपर लेवल के आसपास रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद जब उस पे सेलिंग प्रेशर दिखता है हम सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं और वो सेल शॉर्ट का पोजीशन बनाते हैं। उसी लेवल से जब मार्केट नीचे की तरफ आता है, फिर सपोर्ट लेवल के आसपास हम वो जो सेल किए हैं पहले उसको बाय करके कवर कर लेते हैं। तो अगर आप प्रॉपरली देखोगे, पहले बाय किए, फिर ऊपर सेल किए, और ऊपर सेल किए, फिर नीचे बाय किए, तो ये जो सर्कल जो चल रहा है, ये जो साइकिल चल रहा है, हम इसको बेसिकली ट्रेडिंग साइकिल बोलते हैं। तो चलिए अभी डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे। तो जनरली हमारा 5 टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल होता है। पहला होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग किसको बोलते हैं? जब हम कोई भी स्टॉक के ऊपर या इंडेक्स के ऊपर जब कोई पोजीशन बनाते हैं, वो बाइंग का पोजीशन हो सकता है, वो सेलिंग का पोजीशन हो सकता है, जब हम कुछ सेकेंड के अंदर या 1-2 मिनट के अंदर अगर वो पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, तो उस टाइप का जो ट्रेडिंग स्टाइल हमारा चलता है उसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। तो देखिए, आगे आने वाले वीडियो पे हम डिटेल्स में बात करेंगे, अभी मैंने सिर्फ ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में ओवरऑली बता देता हूं। और सेकेंड पे आता है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? उसका जो ड्यूरेशन रहता है हमारा ट्रेडिंग का, 1 दिन का ड्यूरेशन रहता है। 1 दिन का ड्यूरेशन के अंदर हम जब भी बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, तो ये जो काम हमारा प्रोसेस जो चलता है उसको हम बेसिकली इंट्राडे बोलते हैं। तो जो भी हम सारे काम कर रहे हैं, जो भी ट्रेडिंग का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो एक ही दिन के अंदर वो ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इसी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग को, 1 दिन के अंदर ये जो काम करते हैं वो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग को हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। थर्ड पे आता है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या है? हम जो भी स्टॉक के ऊपर या इंडेक्स के ऊपर जो भी बाइंग सेलिंग का जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर हमारी जो ड्यूरेशन रहता है 1-2 हफ्ते का अगर ड्यूरेशन रहेगा, तो उसी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग को हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और फोर्थ पे आता है हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग पे हम कोई भी स्टॉक या इंडेक्स के ऊपर जब कोई पोजिशन बना के उसको 3 महीना से लेकर 6 महीना तक होल्ड करते हैं,
तो उसी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग को हम पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। और फिफ्थ पे आता है इन्वेस्टिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पे हम जब कोई भी स्टॉक को 1-2 साल से लेकर 3 साल तक होल्ड करते हैं तो उसी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग को हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं। तो दोस्तों इस स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग के बारे में हम डिटेल्स पे आगे आने वाले वीडियो पे बात करेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, रात 8 बजे हर दिन ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो ये पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।